बिगिन द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये जो ब्लैक एरोप्लेन की बात है, इसमें बात होगी एक फ्लाइंग इक्विपमेंट, एक एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा। अब ये जो डकोटा एरोप्लेन है, दिस वॉज यूज इन वर्ल्ड वॉर टू, और ये इतना अच्छा मॉडल था, इसका जो डिज़ाइन था इतना अच्छा था कि आज भी अबाउट 400 to 500 सच एरोप्लेन्स आर देयर स्टिल इन यूज़, क्योंकि इसके मॉडल में कुछ खासियत थे। वो टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगी, इस चैप्टर में हम समझते क्या हैं। अब जे एक एक फाइटर प्लेन है जिसको एक पायलट उड़ा रहा है, और वो ड्यूरिंग द फ्लाइट वो काइंड ऑफ मिसगाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लैक डार्क क्लाउड्स, एंड ही इज फ्लाइंग इन द वी आवर्स, यू कैन से लेट इन द नाइट 1:30 to 2 o'clock टाइम। अब हमने जो अंडरस्टैंड करनी है थीम्स इस चैप्टर में क्या आ जाती हैं, देखो मैंने लिखा पॉइंट नंबर 1 होप। होप्स लीड्स टू डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा चाह, उससे आता है डिटर्मिनेशन कि हमने कुछ करना है, हम डिसाइड करते हैं, रेजोल्यूशन आता है, और उसके बाद हम तैयार होते हैं रिस्क लेने को। और अगर हम रिस्क ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिरेकल होता है। ये मिरेकल इज़ डन बाय द सबकॉन्शियस माइंड, हमारी बॉडी अगर तैयार हो जाती है तो हमें पता भी नहीं लगता कि किस तरह से हम खुद की भी हेल्प कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली वी आर विक्टोरियस, वी अचीव विक्ट्री। तो ये जो चेन ऑफ रिएक्शंस है ये हमें समझनी है इस चैप्टर में। एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री आएगा, सुपरनैचुरल आएगा, अनबिलीवेबल सा कुछ होगा जो कि ह्यूमन नहीं लगेगा, और एक मिरेकल आएगा। हमने इस सब को एंजॉय करते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन, सो लेट्स प्रोसीड। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। थीम आती है डिटर्मिनेशन की, द डिटर्मिनेशन हैज द पावर टू फाइंड अ वे इन द मिडल ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट हर्डल्स। इसी डिटर्मिनेशन को सामने रखते हुए हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी राइट नाउ थोड़ा बैकग्राउंड आएगा। सो द स्टोरी बिगिंस ऑन अ होपफुल ऑप्टिमिस्टिक नोट। ये ऑप्टिमिज्म से हमें एक होप से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे लेंको में था, वो लेटर टू गॉड चैप्टर में था, लेंको को एक होप थी कि सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह से द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी हाई अलोन अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इतनी बात में एक पॉइंट समझ आता है, राइट काइंड ऑफ स्काई, क्लाउड्स एंड क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। अब जब सब कुछ ठीक है आपके आसपास, तो आप क्या हो जाते हो, यू बिकम होपफुल, यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक। अरे वाह बढ़िया, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। थोड़ा सा हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अचानक सडन चैलेंजेस, सडन मिसहैप्स भी हो सकते हैं। एनीवेज, सेकेंड पॉइंट गुड थिंग हियर इज दैट ही इज इन द करेक्ट लोकेशन। इंग्लैंड जा रहा है, फ्रांस के ऊपर है, सही रास्ते पे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और थर्ड थिंग जो करेक्ट थी, राइट टाइमिंग था, अपनी हॉलीडे को सेलिब्रेट करने जा रहा था इंग्लैंड में, अपनी फैमिली के साथ ही उसको इंटू रीच। तो इन सभी चीज़ों के लिए तो एवरीथिंग वॉज राइट अकॉर्डिंग टू हिम। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल रूम, क्यों, क्योंकि वो पैरिस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, तो कंट्रोल रूम में ही हैड टू मेक अ कॉल। अब कॉलिंग करने के लिए क्या करते हैं, दो बातें, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट हियर। एक होता है रेडार, रेडार होता है वो डिवाइस जो एयरपोर्ट पे होता है, वहाँ पे वो सेंस करते हैं कि ऊपर आसमान में कौन सा एरोप्लेन उड़ रहा है। आई एम शोइंग द पिक्चर, वो होती है रेडार की। सेकेंड होता है रेडियो ट्रांसमीटर जो कि एरोप्लेन के अंदर लगा होता है, इस रेडियो ट्रांसमीटर से वो एयरपोर्ट को सिग्नल्स भेज के दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे कैन आस्क डायरेक्शंस। अब ये इस रेडियो ट्रांसमिशन को यूज़ करेगा। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पैरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ये मैसेज वो यहाँ पे पैरिस कंट्रोल ऑफिस में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे डालता है। अब ये तब डालता है जब वो उसको पता लग जाता है कि पैरिस उसके एरोप्लेन के नीचे उसको क्रॉस कर रहा है। अब इमिडिएटली रिस्पॉन्स आया, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो उसने उसको रास्ता दे दिया और यहाँ पे वो 12 डिग्रीज वेस्ट को अपना एयरप्लेन चेंज कर लेगा। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब यहाँ पे क्विकली इक्विपमेंट्स नोट करें, क्या क्या चाहिए होता है फ्लाइट के लिए, मैप, कंपास एंड फ्यूल, तो ये तीनों चीज़ें। फ्यूल टैंक उसका लास्ट था, मतलब ज़्यादा देर के लिए ही कैन नॉट सस्टेन इन द स्काई।
I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे बबल्स बनाए हैं ऑरेंज कलर के. ये दोनों पॉइंट्स आप देखो. ही लव्ड हिज फैमिली. ठीक है, ही हैड बीन मिसिंग बींग इन इंग्लैंड. अब उसको वापस इंग्लैंड में जाना था, तो इसके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक था. ये दोनों पॉइंट्स ये पॉइंट्स शो करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव गिवन इट फॉर यू. हाउ कैन यू से दैट द ऑथर हैड बीन मिसिंग बींग इन इंग्लैंड. दीज आर द पॉइंट्स. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I couldn't fly. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I couldn't fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब जब हम overconfident होते हैं, तब कभी ना कभी कोई ना कोई problem आ जाती है. This is what happens. Now, what are the problems? They are given in the blue bubble. Let's mark them. First of all, clouds, storm clouds. Number two, Paris cross हो चुका है, चलो ये problem नहीं है. Huge. Next point, black mountains. Next point, in front of me across the sky. I knew. और प्रॉब्लम क्या थी? नेक्स्ट प्रॉब्लम है ही कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा. फ्यूल का पहले लास्ट टैंक है. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ. अब वो सोचता है आई शुड गो बैक टू पैरिस, बट अंदर से डिजायर क्या है? वॉट इज अ डिजायर? अब तक हम होप पे चल रहे थे, अब हमारा पॉइंट आता है डिजायर वाला. डिजायर क्या है? टू रीच इंग्लैंड, टू हैव दैट बिग प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली एंड टू हैव अ हॉलीडे. अब जब ये डिजायर आई है तो ही डिसाइड्स टू टेक द रिस्क. अब आएगा रिस्क. तो रिस्क क्या होगा? जैसे बच्ची होगा स्टॉर्म से लड़ेंगे. सो आई फ्लू दैट ओल्ड कोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म. अब हम पहुंच गए रिस्क पर. इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. वॉट मेक्स हिम रेडी टू टेक द रिस्क? द डिजायर टू मीट हिज फैमिली. यूजली वॉट अर्जेस एनी वन टू टेक अ रिस्क? द डिजायर्स आर आर वॉन्ट्स आर फीलिंग्स आर इमोशंस. They make us take the risk. अब वो रिस्क लेता है. अब जब हम रिस्क लेते हैं तो प्रॉब्लम हमें लगता है, अब एक्चुअली फेस टू फेस विद द प्रॉब्लम आते हैं. प्रॉब्लम इसके पॉइंट्स मार्क करेंगे. अब क्या फेस टू फेस आया? सडनली ब्लैक हो गया. क्यों? क्योंकि क्लाउड्स आ गए आसपास. इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरोप्लेन. यहाँ मैं आपको रिलेट कराऊंगी. यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलिंग इन द फॉग व्हेन यू कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड यू. आपको नहीं पता, वो तो चलो फिर एक सड़क होती है, सड़क पे डर होता है, यू कैन गेट हिट अगेंस्ट anything. But if you are in the sky and if you are blocked in clouds, those clouds are not fog, फिर patchy होते कहीं ना कहीं. एक scope है कि आपको रास्ता दिख जाएगा, आप turn करोगे आप पहुंच जाओगे. But aeroplane में you are in the sky, आपका fuel अगर खत्म हो गया you cannot come down, and if you cannot see here or there you can lose your direction. And aeroplane को land करने के लिए runway चाहिए होता है. और अगर ऊपर एरोप्लेन गलत जगह पर मिसगाइड हो गया, डायरेक्शन लूज कर गया, उसको रनवे नहीं मिला, वो लैंड नहीं करेगा तो वो क्रैश करेगा. लॉट ऑफ मोर मैनी थिंग्स विल हैपन. सो एरोप्लेन्स के लिए जो क्लाउड है वो ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू ऑन रोड ट्रैवलिंग में फॉग. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. तो वो जंप और ट्विस्ट कर रहा था क्योंकि वो एक ओल्ड एरोप्लेन था. उसका कंट्रोल भी लूज हो गया. आई लुक्ड एट द कंपास और इस टॉस एंड टंबल में क्या हुआ? कंपास खराब हो गया. डायरेक्शन एरोप्लेन को नहीं मिल रहा था. सो इट लूजेस. आई कुडंट बिलीव. तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अभी आई होप यू आर लाइकिंग माई क्लासेस. थैंक्स फॉर बींग विद मी at e-classes with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मतलब कि जब कंपास की सुई ज़्यादा गोल गोल घूम रही है मतलब कंपास डेड है, वो काम नहीं कर रहा. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Or ab radio ko try kiya. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too.
I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. ये उसके साथ प्रॉब्लम हुई. तो कंपस खराब, रेडियो खराब, और साथ के साथ उसको कोई भी जवाब ही नहीं मिल रहा, नो डायरेक्शन आ देर. अब जब वो इतना, जब कुछ भी नहीं है, तो सडनली उसको को क्या दिखा. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. अब देखो, सबसे पहले इस एरोप्लेन में एक स्ट्रेंज बात थी. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जो कि बड़ा अनयूजुअल है. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. बट ही कुड सी, उसको वो देख पा रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी द अदर पर्सन. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. तो उसने क्या क्या देखा, डिस्क्राइब करो इसको. चलो, नो लाइट्स, बट ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू हिम. ही कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स हिम. उसको वो भी देख रहा था और वो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम फ्लाइंग. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने एक हाथ उठाया और वेव करा इसकी तरफ. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. उसको लग रहा था कि वो उसको अपने पीछे बुला रहा है. अब इसने सोचा, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. तो उसको लगा कि एरोप्लेन वाला जो दूसरा पायलट है, ही इज हेल्पिंग. और इसे चुपचाप उसके पीछे अपना एरोप्लेन लगा लिया. ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू फॉलो हिम. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ऑबीडिएंट चाइल्ड. एंड आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. तो कहता है, मैंने एक बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसको, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. क्योंकि उसको फॉलो करना ईजी था. और वो किस तरफ डर रहा था, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ. ये भी उसने बताया. तो जब कहता है, वो जब ये सब मैंने उसको देखा करते हुए, तो मुझे लगा कि हाफ एन आवर भी बीत गया और मैं अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था. अचानक, नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. अब उसके सिस्टम ने शो किया कि ओनली 5-10 minutes ही कैन सस्टेन द फ्लाइट. एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग फ्राइटेड अगेन. क्यों? क्योंकि अब तो फ्यूल भी खत्म है और रास्ता भी नहीं दिखा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन अचानक वो जो दूसरा गाइडिंग प्लेन था, इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड्स एंड आई ऑल्सो फॉलोड. हाउ लॉन्ग डिड ही फ्लाई आफ्टर ही हैड एनकाउंटर्ड द क्लाउड्स आफ्टर पैरिस? हाउ लॉन्ग डिड ही फ्लाई फॉर? ही फ्लाई फॉर मोर देन हाफ एन आवर. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. जैसे वो नीचे पहुंचा एंड आई सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अब जो दो लाइटों की लाइनें उसको दिखी, पास जाकर पता लगा इट वॉज रनवे एंड एयरपोर्ट. एंड आई वॉज सेफ. तो खुश हो गया. आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन कोई था ही नहीं आस पास. देर वॉज नथिंग ओवर देर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन एंड आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. तो वो कहता है कि मैंने आस पास देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और मुझे नहीं नजर आ रहा था. अब हमने देखना है एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री यहाँ पर आया. अब तक फॉर मोर देन हाफ एन आवर ही वॉज फॉलोइंग अ ब्लैक एरोप्लेन नंबर वन. नाउ सडनली व्हेन ही सीज द रनवे, वेयर डज द एरोप्लेन गो? चलो, बट क्योंकि उसको अपने रास्ते पर अपने घर जाना था, ही डजंट बॉदर. ही लैंड्स, ही कैन नॉट वेट, ही डजंट हैव फ्यूल टू वेट देयर. ही लैंड्स एंड ही कम्स डाउन इन टू द एयरपोर्ट. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. So control tower ke paas usne apna plane ko park kiya and he starts walking away from the old Dakota. And he was not sorry. This means he was very happy that he had ended the journey somehow. Kaise taise karke journey khatam hui, flight khatam hui. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. So he goes inside. And there's a woman in the control center and he tells ki usko jaake poochta hai ki ye kaun si jagah hai. To usko bata dete hai chalo it must be England. And then what about the other pilot, because he wanted to say him thank you. Now the woman looked at him very strangely and then laughed. Aur wo hans bhi padi. Kyun? Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. So she laughs. She chuckles. She says, wow, koi aeroplane tha hi nahi. Because now, I told you, radar works in the airport. So radar se ye log sense kar lete hain ki upar aasman mein how many flights are there.
एंड शी हैड सीन दैट देर इज नो अदर फ्लाइट. तो यहाँ पे मिस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई पूरी तरह. ही वॉज फॉलोइंग अ ब्लैक एरोप्लेन बट दैट ब्लैक एरोप्लेन वॉज नो वेयर. वो था ही नहीं हवा में. तो ऑथर पहले तो वो पहले ही श्योर नहीं है कि वो इंग्लैंड पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया. ऊपर से उसको ये पता लग रहा है कि उसने जिसको फॉलो करा दैट थिंक इट सीम्स वैनिश्ड. नाउ ही विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. ये स्टोरी पूरी की पूरी एंड हो रही है मिस्टीरियस नोट पे. इट इज़ ओपन एंडेड फॉर अस टू थिंक. ही इज आस्किंग अस, वी आर द रीडर्स. हमें पूछ रहा है हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो विदाउट फ्यूल इन द टैंक. हु वॉज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म एंड विदाउट लाइट्स. इज इट पॉसिबल. तो यहाँ पे ऑथर हमें पूछता है. तो अब आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हु कैन दिस बी? नाउ देयर आर सम पीपल हु से दैट देयर मस्ट बी अ फैंटम प्लेन. फैंटम प्लेन कह देते हैं इसको, घोस्ट कह देते हैं इसको, हेलुसिनेशन कह देते हैं इसको, इल्यूजन कह देते हैं, कई लोग तो इसको सुपर नेचुरल कह देते हैं. मतलब सुपर नेचुरल मतलब सम घोस्ट लाइक, जो कि नेचुरल नहीं है. ये सब बोल देते हैं कि मे बी देयर वॉज अ घोस्ट दैट ही हैड सीन, देयर वॉज अ सम गुड स्पिरिट, कोई अच्छी आत्मा थी जो उसको हेल्प कर रही थी. बट I would like to point out some points and I'll take you again to those slides where I'm going to discuss all the points which we must notice before we declare that it was a ghost, it was an or it was a phantom plane. So what are those points? Let's proceed. I'm going to take you to some pages which we've read already. So turn your pages and mark them accordingly in your books. So children, get ready. Let's solve the mystery of the black aeroplane. Now notice the points here. First of all, you can see the third paragraph. I am going to show this through some arrows. You can see there are black arrows that I have put. पहला black arrow मैंने लगाया है इस point पे. No lights on its wings. कोई भी aeroplane ऐसा नहीं हो सकता which would fly without lights. Number one. Second arrow you can see. अभी अभी उसने बोला था पीछे कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग इफ यू रिमेंबर. बट यहाँ पे वो कहता है पहले तो उसमें लाइट्स नहीं है तो फिर उसको कैसे दिख गया? हाउ इज इट पॉसिबल? आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. जब उसको बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इट वॉज ब्लैक, तो उसको बिना लाइट वाला एरोप्लेन कैसे दिख गया? तो ये सेकेंड पॉइंट है. थर्डली, आई कुड सी द पायलट्स फेस. साथ के साथ उसको पायलट का फेस भी नजर आ रहा था. Turn towards him. तो ये भी एक पॉइंट है जो क्वेश्चनेबल है. फोर्थ पॉइंट, ही लिफ्टेड हिज हैंड एंड वेव्ड. ये उसको उसके एक्सप्रेशंस भी नजर आ रहे थे कि वो उसको कह रहा है फॉलो मी. ये बातें. नेक्स्ट, हाफ एन आवर ही केप्ट ऑन फ्लाइंग एंड देन ही केम डाउनवर्ड्स एंड व्हेन ही केम डाउनवर्ड्स ही सॉ दैट ही हैड रीच्ड हिज प्लेस इंग्लैंड. अब ये पॉइंट्स हमने देखने हैं. दीज आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स. यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवाऊंगी, अब ये सुनो. देर इज नो प्रूफ, देर इज नो रीजन वाई दी अदर पायलट शुड कम टू नो दैट दी ऑथर हैज लॉस्ट हिज वे. किसी और को कैसे पता चलेगा कि ऑथर का रास्ता भटक चुका है? तो वाई डिड द ऑथर थिंक, उसको उसने क्यों सोचा कि अदर पायलट न्यू दैट ही वॉज लॉस्ट? क्योंकि मिस्ट्री का आंसर ये है कि इट वॉज नॉट एनी अदर ब्लैक प्लेन, इट वॉज हिज ओन माइंड दैट वॉज एक्टिंग. He assumed a superpower around him, helping him and leading him to reach England. तभी तो practically देखें तो ये बाहर दूसरे वाला प्लेन तो नजर ही नहीं आ सकता था. अगर उसे नजर आया तो वो इसको अपना ही अपनी ही झलक नजर आई कि अब मैं ऐसे करती हूँ. तो ये एक illusion था जिसको कि उसने समझा कि वो कोई और है या कोई phantom plane है. वो phantom plane नहीं था, वो वही था. अगर कोई और प्लेन होता भी तो क्या उसको इंग्लैंड ही जाना था? और वो प्लेन तो था ही नहीं, क्योंकि इसके आगे और भी मैं पॉइंट्स मिलेंगे. सो उस अगर वो प्लेन होता भी तो उसको कैसे पता लगता कि ऑथर हैज लॉस्ट हिज वे? ये ऑथर को ही पता था कि ही वाज लॉस्ट, इसलिए उसने एक ऐसा प्लेन इमेजिन किया जो उसको खुद को नहीं पता लगा. इट वॉज अ सबकॉन्शियस दैट वॉज एक्टिंग टू सेव हिम एंड इन दैट सबकॉन्शियस माइंड ही हैड थॉट दैट देयर इज अ गाइडिंग एरोप्लेन that is going to lead him to England. Was the author aware of the direction they were moving in? Ab next point aata hai. Mera next arrow laga hai north way. Abhi abhi
ऑथर ने बताया ऊपर कि हिज कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड आउट, कंपस वॉजेंट वर्किंग एंड ऑल्सो ही कुड नॉट कनेक्ट विद पैरिस कंट्रोल. तो उसको कैसे पता लगा कि एरोप्लेन इज टेकिंग हिम टूवर्ड्स नॉर्थ? दिस मीन्स शायद उसका कंपस चल रहा था. इट इज़ पॉसिबल दैट इज वाई उसने जो कंपस है उसमें नॉर्थ देखा, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उसके इन हिज ब्रेन इट वॉज ओवर पावर्ड दैट ही हैज लॉस्ट एंड फॉरगॉट. सो दिस इंडिकेट्स ही न्यू द डायरेक्शन दैट दे आर मूविंग नॉर्थ टूवर्ड्स, बट ही सेज द कंपस वॉजंट वर्किंग. दिस इंडिकेट्स दैट पॉसिबली थिंग्स वर वर्किंग बट ही वॉज मिस्टेकन और ही वॉज इन एन इल्यूजन. ही वॉज ड्रीमिंग टू मच अबाउट द हॉलीडे एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट और ही कुडंट, ही वॉज सो ओवरटेकन बाय द फियर. शायद वो डर ही इतना था कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही इज डूइंग. सो दिस इज माई व्यू. आपको कोई और व्यू लगे आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे आंसर में. और एक मैं आपको पॉइंट बताऊंगी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जो आपको मार्क करना है. यहाँ पे एक लाइन है, आई स्टार्टेड टू फील फ्राइटेड अगेन. उसको डर कब लगता है? उसको डर तब लगता है जब उसको समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है, और उसके बाद वो कुछ इधर उधर देखता है तो उसको सोल्यूशन भी मिलता है. तो हाफ एन आवर ही केप्ट ऑन फ्लाइंग अकॉर्डिंग टू द ब्लैक एरोप्लेन. But he got frightened when he saw his fuel is less. And when he checked, he had already reached the airport. इसका मतलब कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है. He is just giving up on confidence. Next, आप सबको मालूम है कि उसका रेडियो बंद था लेकिन एयरपोर्ट पर रडार चल रहा था. तो अगर कोई और पायलट होता it would have been noticed by the lady at the airport. That is why it was not It wasn't found, it wasn't identified because there was no aeroplane actually. It was just his own illusion. It was just his own, you can say, alter ego or subconscious mind acting to help him. So that is the answer to the mystery. Please observe carefully, understand the chapter and prepare properly. Thank you children. That was all for this chapter, the black aeroplane. You, in case you want to view the explanation of first story, also the link has been provided already. Go through that and I'll be giving that in description box also. Keep excelling in English and have a nice day.